धड़ाक लग दी बदतमीजी इतना फिर क्यों वाह क्यों दिखाई तेना जन सा लग गया वो सुने भाई पानीपत के इस मालखा की एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक होमगार्ड और कुछ युवकों में जबरदस्त मारपीट हो रही है और गाली गलौज की जा रही है। दरअसल मालखा कस्बे में बुलेट पटाखे बजाने से मना करने पर होमगार्ड के साथ मारपीट शुरू हुई। गांव जुरासी के निवर्तमान सरपंच पति ने अपने साथियों संग मिलकर गाली गलौज की। इस मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वारदात के दो दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन पुलिस को शिकायत दी गई। मालखा थाना पुलिस ने पीड़ित होमगार्ड की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में होमगार्ड ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पूरा मामला ये था कि मालखा पुल के नीचे कुछ शरारती तत्व बिंदा सरपंच जुरासी से उसका लड़का में पटाखे छोड़ रहे थे बुलेट बाइक से, तो वहाँ राइडर ने रोका उनको। राइडर वाला ने पूछा भाई तुम क्यों गुंडागर्दी में जा रहे हो, तो राइडर वाला के साथ बदतमीजी करने लगे और आथा पाई उतर आए। राइडर वाला का फोन आया मेरे पास, बोले भाई ऐसे ऐसे हो गया है। तो मन के वहाँ पर पहुँचा तो जाकर उनसे बातचीत करी, भाई माँ गलत बात में उनका मैटर सर जाने लग गया। तो उसने बिंदे सरपंच ने मेरे को भी धक्का मारा और मेरे साथ भी हाथ से पाई और गाली गलौज कर, तो वो वहाँ से वो फरार हो गए। उस टाइम मेरा तारीख की और 10:40 की है, शाम 10:40 की रात के साथ 10:40। हाँ पर इसमें पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस के द्वारा अफसर के संज्ञान में आते ही मामला दर्ज कर दिया है, बाकी जो अफसर करेंगे बाकी पर्चा दर्ज करवा दिया अफसर ने। अफसर कहीं ना कहीं गाली गलौच भी और हाथापाई मारपिटाई हुई थी। हाँ। वीडियो जो वायरल हुई है। हाँ तो तुरंत आते ही अफसर ने पर्चा दर्ज करवा दिया, मामला दर्ज करवा दिया। मालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में होमगार्ड श्रीकांत ने बताया कि वो ट्रैफिक चौकी मालखा में राइडर 11 पर तैनात है। 13 सितंबर को वो अमित के साथ गश्त के दौरान मालखा पुल के नीचे खड़ा था। इसी दौरान वहां एक बुलेट सवार दो युवक आए, जिन्होंने वहां उन्हें देखते ही बुलेट पटाखे बजाने शुरू कर दिए। जब दोनों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज व मारपीट करनी शुरू कर दी। मामले की सूचना मालखा थाने में दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले दो लोगों को
मौके से भगा दिया गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर गांव जुरासी की निवर्तमान सरपंच का पति खड़ा था। मौके पर होमगार्ड सोनू मौके पर पहुंचा था, जिसने बिंदा से पूछा कि आपने बाइक लेकर लड़कों को क्यों भगा दिए। इसी दौरान दोनों लड़के दूसरी बाइक लेकर मौके पर आए। वहां आते ही उन्होंने पत्थर उठाकर सोनू को मारने लगे। गाली गलौज व हाथापाई भी हुई। सोनू को साथियों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। इसके बाद बिंदा व अन्य आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।